ओबीसी जो क्लासेस हैं, जो सबाल्टर्न क्लासेस हैं, उनका एम्पावरमेंट होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जो हमारा विमर्श है, डिस्कोर्स है, सोशल जस्टिस डिस्कोर्स, दिस हैज टू गो टू ए हायर प्लेन। वो हायर प्लेन क्या होगा, हमको ये जोड़ना होगा, वी हैव टू लिंक द डिस्कोर्स ऑफ सोशल जस्टिस टू द डिस्कोर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड टू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में हमको सामाजिक न्याय के सवाल को जोड़ना। मैं ये कहता हूं कि आजादी के बाद जो मंडल विरोधी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, उनका कहना है कि मंडल ने समाज को विभाजित कर दिया, बैकवर्ड में फॉरवर्ड में बांट दिया। वो नहीं जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और वो कितने अज्ञानी हैं। मेरा ये कहना है कि आजादी के बाद 1947 जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ 100 साल का, 1857 से लेके 1947 तक, और उसमें जो भारत की एकता बनी, उस एकता के बाद जब 1947 के बाद देश आजाद हुआ, तो एक फैक्टर की जरूरत थी जो कि फिर से देश को जो है एक भावनात्मक एकता में जोड़ सके। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था देश के अंदर, लेकिन मंडल ने आकर इस देश की 60% आबादी को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक, जो 60% आबादी को मंडल आयोग ने एक नाम दिया ओबीसी, एक कंसनस दिया ओबीसी, एक पहचान दिया ओबीसी, और इसने जो राष्ट्रीय एकता की जमीन तैयार किया है, उसकी तुलना हम केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो एकता तैयार हुई थी, हम उससे कर सकते। इसने 60% आबादी को इसने एक भावनात्मक एकता में जोड़ा। आज उत्तर भारत का एक व्यक्ति जो ओबीसी है, वो जाता है तमिलनाडु, केरल, कहीं भी जाता है और वो कहता है कि मैं ओबीसी हूं, तो एक रिश्ता जुड़ता है, एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ता है वहां। तो ये जो सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स है, ये जो आरक्षण की पॉलिटिक्स है, इसको हम लोग बहुत लिमिट करके देखते हैं। नहीं, ये पूरा एक नेशन बिल्डिंग का ये एक तरीका है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब शेड्यूल कास्ट का लिस्ट बनवाया अंग्रेजों से सहयोग करके, तो उस लिस्ट ने क्या किया कि पूरे देश के जो वो भी ये शेड्यूल कास्ट थे, दलित थे, अनटचेबल्स थे, डिप्रेस्ड क्लासेस जिनको लोग कहते थे, उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया। और पूरे देश के जो दलित थे, जो भारत के गांव गांव में दक्षिण टोले में रहते थे, उनको उसने एक सूत्र में बांधने का काम किया और एक चेतना उनको दिया। तो एक दलित राष्ट्रवाद तैयार होता है देश के अंदर, शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट तैयार होता है और उस लिस्ट के आधार पर पूरे देश में शेड्यूल ट्राइब की एक चेतना तैयार होती है पूरे देश के अंदर। लेकिन जो थर्ड चीज था, जो ओबीसी जो 60% आबादी छुटी हुई थी, वो 90 में जाके जब इस देश में मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा की गई, तो उसने जो है देश की 60% आबादी को एक सूत्र में बांध लिया। और सबसे खास बात क्या रही मंडल की, कि इसने धर्म की परवाह नहीं किया। आज भी शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है, उसमें मुस्लिम शेड्यूल कास्ट शामिल नहीं है, ईसाई शेड्यूल कास्ट शामिल नहीं है, लेकिन मंडल की जो लिस्ट है वो मुकम्मल लिस्ट है, उसमें न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं किया गया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि मंडल आयोग ने इस देश को मजबूत बनाने में, इस देश की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में जितना बड़ा काम किया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, उसके बाद किसी और चीज ने नहीं किया। और इसलिए जो लोग मंडल का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, ये लोग पूरे देश का विरोध करते हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं ये लोग, जो कि मंडल आरक्षण के विरोध करते हैं। वो नहीं जानते हैं, आप यदि यूरोप से तुलना कीजिए भारत की, तो जिस तरह से यूरोप में आप देखेंगे कि जितनी भाषा उतने देश,
लेकिन भारत कई भाषाओं का एक देश है और कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक भारत में क्या कॉमन है? तो एक चीज कॉमन है, वो कास्ट सिस्टम। और उस कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊंचा, दलित सबसे नीचे और बीच में मध्यवर्ती जातियां। तो कास्ट सिस्टम जो है किसी देश के एकता का आधार नहीं हो सकता है, इसीलिए कि एक्सप्लॉयटेशन पे जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ में एकता का आधार क्या था? 15 अलग अलग राष्ट्रीयताएं थी और उनके राष्ट्र एकता का आधार था समाजवाद। और जब समाजवाद खत्म होता है तो सोवियत संघ टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। तो आज यदि भारत यदि एक है, यह सामाजिक न्याय की राजनीति की देन है कि आज भारत एक है। और आज यदि आप सामाजिक न्याय की राजनीति को खत्म कर देंगे तो कुछ साल लगेंगे भारत को टूटने में। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह केवल इंपावरमेंट का सवाल नहीं है, सामाजिक न्याय का सवाल, यह भारत की एकता अखंडता का सवाल है, यह भारत के भविष्य का सवाल है। और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसको अब समय आया है कि हम अर्थव्यवस्था के सवाल से जोड़ें, इकोनॉमी के सवाल से। मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट में एक स्कूटी बनता है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। वो एम्पावर्ड होती हैं, स्कूटी चलाना सीखती हैं, चलाने लगती हैं और इस देश में लाखों स्कूटी बिकता है। और उससे आप सोच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितना उछाल मिलता है, आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है केवल एक वुमेन एम्पावरमेंट से। और यदि इस देश की 90% आबादी का एम्पावरमेंट होता है सोशल जस्टिस के द्वारा, और सोशल जस्टिस के द्वारा उनकी आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उनके भीतर जो क्रय शक्ति जब बढ़ेगी सोशल जस्टिस के फुल इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां पहुंचेगी। और यह भारत की अर्थव्यवस्था जो है, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है, आज विश्व अर्थव्यवस्था संकट में, क्राइसिस में। चारों तरफ मंदी का दौर होता है, कभी कभी यहां मंदी है, कभी वहां मंदी है, कभी यहां पे संकट है, कभी वहां पे संकट है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यदि भारत से जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए और इस देश जाति व्यवस्था का सीधा लिंक यहाँ की गरीबी से है और अशिक्षा और गरीबी से है जाति व्यवस्था का सीधा संबंध, तो जाति व्यवस्था को खत्म करने का मतलब है इस देश की 100 करोड़ आबादी को हम गरीबी रेखा से निकाल लें, उसका मतलब होता है। और आप समझ सकते हैं कि ये पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। और इसलिए अभी जो थॉमस पिकेटी जो कह रहे हैं कि मिनिमम जो उन्होंने काफी कुछ, वो अब पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका ध्यान जा रहा है कास्ट सिस्टम की तरफ, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का है ना आर्थिक कीमत क्या है, किस तरह से पूरी दुनिया जो है और पूरा भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था संकट में हिस्सा है। तो हमको जो है अपने जो हमारा जो डिस्कोर्स है हमको उसको हाइयर प्लेन पर ले जाना है। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कोंडला राव जी को बधाई देता हूं कि उनकी किताब का अनुवाद हुआ है। मैं जो तीनों हमारे अनुवादक हैं मैं उनको बधाई देता हूं। और ये जिस राष्ट्रीय एकता की बात हमने कही है कि सामाजिक न्याय की राजनीति किस तरह से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है, उसका ये बहुत ही स्पष्ट साक्षात प्रमाण है कि किस तरह से दक्षिण भारतीय भाषा में तेलुगु भाषा में लिखी हुई एक किताब का अनुवाद हिंदी में होता है। इससे जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो संबंध है, उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है सोशल जस्टिस के सवाल पर, सोशल चेंज के सवाल पर, वो आने वाले दिनों में और मजबूत होने वाला है, वो और मजबूत होगा। साथियों, बहुत सारे हमारे यहाँ पे मैं उनको भी बधाई देता हूँ, अवार्डीज, मैं और तो किन्हीं को नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं खासकर डॉक्टर रोमा यादव भागलपुर, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं भागलपुर चैप्टर की, मैं उनको सावित्री भाई फुले अवार्ड के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं उस इलाके से आता हूँ, मैंने उनके संघर्ष को देखा है, समझा है, और
हमारे जो भी अब वो हमारे समाज की एक बहुत ही एक पर्ल है, जेम है वो हमारे समाज की, मैं उनको अपनी ओर से और अपने संगठन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ओबीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और जितने भी हमारे अवार्डीज हैं मैं उन सबों को बधाई देता हूँ अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से। और अंत में मैं फिर एक बार संदीप जी को और आयोजकों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे अपना विचार व्यक्त करने का मौका दिया।